नमस्कार, सांगो न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ रवि राठौर। अंतरिक्ष की दुनिया में आज फिर इतिहास रचा गया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने सोमवार दोपहर 2:43 पर चंद्रयान 2 का लॉन्च किया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में जब 2:43 पर चंद्रयान 2 का लॉन्च हुआ तो पूरे देश की धड़कनें मानो थम सी गई थी, क्योंकि लॉन्चिंग के बाद के कुछ मिनट काफ़ी अहम होते हैं। इसलिए ना सिर्फ स्पेस सेंटर्स में बैठे वैज्ञानिक बल्कि टीवी पर देख रहे आम आदमी की भी धड़कनें मानो बढ़ सी गई थी। चंद्रयान 2 कुछ इस प्रकार अपनी पूरी यात्रा करेगा। चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान 22 जुलाई से 13 अगस्त तक पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक चांद की तरफ जाने वाली लंबी कक्षा में प्रवेश करेगा और 19 अगस्त को ही चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा। 31 अगस्त तक चांद के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। इसके बाद 1 सितंबर को विक्रम लैंडर ऑर्बिटर से अलग हो जाएगा और चांद के दक्षिणी ध्रुव की तरफ यात्रा शुरू करेगा। 5 दिन की यात्रा के बाद 6 सितंबर को विक्रम लैंडर चांद की दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। लैंडिंग के करीब 4 घंटे बाद रोवर प्रज्ञान लैंडर से निकलकर चांद की सतह पर प्रयोग करने उतरेगा। यह पूरा सफर करीब 48 दिन का होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का दूसरा मून मिशन चंद्रयान 2 सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है। चंद्रयान 2 को देश के सबसे ताकतवर बाहुबली रॉकेट GSLV-MK3 से लॉन्च किया गया। ये अब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने के लिए चंद्रयान 2 की 48 दिन की यात्रा शुरू हो गई है। चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग को पीएम मोदी पीएमओ से लाइव देख रहे थे। सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके कहा कि यह गर्व का समय है। चांद पर जाने वाले हिंदुस्तान के चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग सफल हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो को चंद्रयान 2 की सफल लॉन्चिंग पर बधाई दी। उन्होंने लिखा कि चंद्रयान 2 की सफल लॉन्चिंग पर पूरे देश को गर्व है। साथ ही देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चंद्रयान 2 की सफल लॉन्चिंग नई मिसाल है। चंद्रयान 2 की सफल लॉन्चिंग पर गृह मंत्री अमित शाह ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। अमित शाह ने कहा कि भारत ने इस दिशा में एक मिसाल कायम की है, राष्ट्र को इस पर गर्व है। साथ ही मैं प्रधानमंत्री का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जो हमारे संस्थानों को इस तरह काम करने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। इसी प्रकार के अन्य रोचक खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें सांगो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल, साथ ही लाइक करें सांगो न्यूज़ का फेसबुक। हमारी सांगो न्यूज़ की एंड्रॉयड ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, तो उसे भी ज़रूर डाउनलोड करें। धन्यवाद।